इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी जो इसको संभाल पाएगा? नाम बताओ। इंडी अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा कि वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जी जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री। अगर हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं सबसे बड़े मेहमान है, यानी एक मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। मोदी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पे। नमस्कार। नमस्कार भैया, आपके सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। मोदी जी, चौथे चरण की वोटिंग जारी है, 3 चरण संपूर्ण हो चुके हैं, ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर पर तेलुगु स्टेट्स में भी वोटिंग है। पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे मैं साफ देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी, सबके सब एक प्रकार से दिशाहीन नजर आते हैं। अब देखिए, आपको कहीं पर भी इंडी अलायंस नजर नहीं आएगा। वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलौच जी, उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर जी चुनाव जीतना चाहते हैं। देश, इतना बड़ा देश जी, आज खास करके जो नौजवान मतदाता है जी, वो ये हमेशा सोचता है कि भाई आखिरकार इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी जो इसको संभाल पाएगा? नाम बताओ। इंडी अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जी जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री। अगर हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा। आपको गांव के लोग बढ़िया मजेदार कथा सुनाते हैं जी कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए जी और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पानी के बिना क्या होगा, तो मिलकर के उन्होंने जो पानी की जांच करने वाले लोग हैं तो उनको बुलाया, तो कहा भाई पानी तो निकल सकता है, अगर 100 मीटर ट्यूबवेल कर देंगे तो पानी आपको निकलेगा और पानी मिलेगा। तो फिर 10 किसानों ने कहा ऐसा करो भाई 10 मीटर मेरे यहाँ गड्ढा करो जी, दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहाँ करो, तीसरे 10ों ने कहा 10-10 मीटर कर लो, 100 मीटर हो जाएगा क्या, पानी निकलेगा क्या? तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूं जी। अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनका ये एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। दूसरा, मैंने करीब करीब हिंदुस्तान के 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी बड़ी आंधी, और 2019 से बड़ी वाली आंधी, 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है, जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो जी,
उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेपी ने 2019 के अंदर 303 सीटें अपने दम पर पाई, हिंदी भाषी राज्यों में एक तरह से बहुत बड़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन इस बार क्या वो रिपीट हो पाएगा? और आप देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हुए हो, गोवा जी ये क्या हिंदी भाषी है क्या? गुजरात हिंदी भाषी है क्या? महाराष्ट्र हिंदी भाषी है क्या? असम हिंदी भाषी है क्या? बंगाल हिंदी भाषी है क्या? कर्नाटक हिंदी भाषी है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है, और पूरे देश में मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी करेगी और करेगी। और ये मोदी कहता है इसलिए करेगी, ऐसा नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है, इसलिए 400 पार होना है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और एनडीए भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तेलुगु स्टेट्स में आपको क्या लगता है? आंध्रा में, आंध्रा एंड तेलंगाना जी, इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सरप्राइज देगा, केरल तमिलनाडु पुडुचेरी कर्नाटका आंध्र तेलंगाना सभी में ऐतिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा, और बहुत बड़ी सिद्धि जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में रहेगी जी, ये बिल्कुल साफ नजर आता है। और मैं मानता हूं जी कि तेलंगाना क्लीन स्वीप करेगा, जिन राज्यों में राज्यों के चुनाव है वहां भी जहां भारतीय जनता पार्टी है वो रिपीट करेगी, जहां एनडीए है वो नई सरकार बनेगी। और इसलिए इन सभी राज्यों में जी सरकार बनना तय है, आंध्र तेलंगाना में भी क्लीन स्वीप होने वाला है। एक मैं पूरे देश घूम रहा हूं चुनाव के लिए, एक चीज मैंने देखी इस चुनाव में, नैरेटिव बार बार बदले। पहले नैरेटिव आया रिजर्वेशन का, फिर आया नैरेटिव कि बीजेपी के लीडर्स के फेक वीडियो चलाए गए, नैरेटिव बार बार बदल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको आप नैरेटिव नहीं कह सकते हैं, चुनाव का नैरेटिव एक ही है और वो है फिर से एक बार मोदी सरकार जी। चुनाव मोदी फैक्टर है इस चुनाव का? चुनाव का नैरेटिव एक ही है, अब की बार 400 पार, नैरेटिव वही है। लेकिन एक नैरेटिव जो लोग हताश हैं, निराश हैं, जो मुद्दों की तलाश में हैं जी, उनके लिए बार बार वो खोज रहे हैं कैसे टिके, कैसे लोगों के बीच में रहे, इसलिए उनको ये खेल करना पड़ रहा है। लेकिन वो नीचे तक लोगों को बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप पर बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि आप अपनी तीसरी टर्म में वापस आए। मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है जी, देश की जनता का प्यार यही मेरी बहुत बड़ी शक्ति है जी, देश की जनता के आशीर्वाद यही बहुत बड़ी पूंजी है, और इसलिए प्रेशर मैं देख रहा हूं कि इंडिया अलायंस में है, क्योंकि उनके इंडिया अलायंस बन ही नहीं पा रहा है। आप बनते ही बनते देखिए, केरल में जाके लेफ्ट उनका सबसे बड़ा साथी जी जी, केरल में जाकर के ही उन्होंने उन पर छुरा भोंक दिया, खुद चुनाव लड़ गए। और मैंने पूरे चुनाव में सबसे तीखी आलोचना, सबसे तीखी भाषा जी अगर मैंने कहीं सुनी है तो वो मैंने वायनाड की सीट पे सुनी है, वायनाड में सुनी है, केरल में सुनी है, जहां कांग्रेस की इतनी भद्दी तरीके से आलोचना हुई और कांग्रेस ने अपने इंडिया अलायंस के साथी के खिलाफ इतनी भद्दी भाषा में बोला। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या आप? ये मेरा बयान नहीं है, आपने बोला इस पे, ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। ये बयान है कांग्रेस के विश्वस्त सलाहकार का, जो कांग्रेस के 30 साल तक
और टॉप परिवार के सलाहकार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तय है और उन्होंने निर्णय करके लिया है कि हम राम लला को फिर से एक बार टेंट में भेज के ही रहेंगे। सुपर कमीशन बनाने की बात, हाँ, राम लला को फिर से टेंट में भेज करके ही रहेंगे, ये उनके सलाहकार ने कहा है, ये कांग्रेस वालों ने निर्णय किया है और देश को पूरा भरोसा है कि इस प्रकार की करने की इनकी आदतें हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए जी कुछ भी करना इनकी आदत है। एक सवाल और, हम बिहार की धरती पे है, आरजेडी यानी लालू जी की पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, इंडिया अलायंस देखने को मिल रहा है। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए, क्या देखते हैं आप? उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा, ऐसा नहीं, उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब एससी एसटी ओबीसी उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। और संविधान सभा ने गंभीर चर्चा करके तय किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के भी विचार बहुत स्पष्ट रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। पंडित नेहरू भी इसी विचार के थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि वो देश को फिर से एक बार धर्म के आधार पर बांटने के रास्ते खोज रहे हैं, बांटने के तरीके खोज रहे हैं जी, और उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण है। पाकिस्तान का मुद्दा एक बार फिर चुनाव के अंदर आ गया है, तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था वो पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की सेना के प्रति नफरत का भाव पड़ा हुआ है और इसलिए देश के सेना नायक को उन्होंने एक बार जी गली का गुंडा कहा था। जिनकी भारत की सेना के प्रति ये भाव होंगे उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो? पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए ऐसा कहता नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं कहता है। हाल ही में पाकिस्तान ने तो राहुल गांधी की तारीफ करी थी, पाकिस्तान के एक नेता, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान में जी सदन में उनके नेताओं ने भाषण किया है जी कि भाई ये जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके जाते हैं, एयर स्ट्राइक करके जाते हैं और हम हाथ से हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं, ये उनके भाषण है वहां के। अगर हमारी बात नहीं माननी है, हमारी देश की सेना की बात नहीं माननी है जी, तो वो अपने मित्र पाकिस्तान के लोगों की बात तो सुन ले, उनको तो मान ले। इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं, औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक का, फिर उसके बाद तानाशाह का, आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है इस पे? भाई देखिए, हम तो कामदार है जी, बेनामदार है, और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते खाते बड़े हुए हैं, और इसलिए इन चीजों को हम मन पर लेते नहीं है, हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए हैं। और तो मैं तो कहता हूँ, लोग मुझे कभी पूछते हैं मोदी जी आपकी इतनी बड़ी एनर्जी का रहस्य क्या है, तो मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। देखिए, मेरी एक बहुत पुरानी कविता है, मुझे अभी याद तो नहीं है जी, लेकिन उस कविता का भाव ये था जी कि मुझे जो पत्थर फेंकते हैं मैं उन्हीं पत्थरों से पक्षी बना देता हूँ और मैं उसी से ऊपर चढ़ जाता हूँ। और दूसरा मैं कहता हूँ कि जितनी गंध उछालेंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे जी, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। एक सवाल आखिरी ये है कि माताओं बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है, कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे, उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, एक इमोशनल कनेक्ट जो है इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। मेहरबानी करके जी इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है इसको राजनीति के तरफ से मत तोड़िए, एक भावात्मक विषय है और मैं मानता हूँ कि मेरे देश का कल्याण करने के लिए मेरी मातृशक्ति को एम्पावर करना चाहिए, स्त्री शक्ति को एम्पावर करना चाहिए, नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, तो मैं एक बड़ी श्रद्धा से एक पूजा भाव से काम कर रहा हूँ। कृपा करके इसको राजनीति के तराजू से मत तोड़िए, और मैं चाहता हूँ मैं वैसा ही
पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूं, इस देनों की बहनों की सेवा करूं, इस देश की बेटियों की सेवा करूं। यूथ वोटर को जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसको आपका मैसेज क्या होगा प्रधानमंत्री मोदी? मेरा उनके लिए कोई मैसेज नहीं है, मुझे तो देश के युवा का मैसेज चाहिए। मैं देश के युवाओं की इच्छा आकांक्षा के अनुसार चलना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर क्यों वोट करे? मैं फर्स्ट टाइम वोटर की इच्छा अनुसार देश बनाना चाहता हूँ। हमने अभी जो 2047 का विजन बनाया, करीब 35 लाख नौजवानों से मैंने फीडबैक लिया है और मैं अभी 100 दिन का कार्यक्रम बनाया है जी। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं 125 दिन का बनाऊं और मैं 25 दिन जो है उसके लिए देश के युवाओं को पूछने वाला हूँ। ये 25 दिन के लिए उनके क्या सुझाव है, कौन से काम मैं पहले करूँ, तो मैं इस प्रकार से देश के युवकों को उनकी आशा आकांक्षा के अनुसार देश चला। जेन जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है नरेंद्र मोदी का? कोई बेस्ट फ्रेंड है, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर? मतलब क्या मतलब, मतलब होता आपका है? कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? ऐसा है, मैं देश के 140 करोड़ देशवासियों से दिल की ही बात करता हूँ जी। मैं तो जीता हूँ दिल के संबंधों से जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने हमें समय दिया। पर आप 100 से ज्यादा रैली और रोड शो कर चुके हैं, इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रधानमंत्री।